अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जा रहे थे बाहर थोड़ा आउटिंग पे भी, और कुछ शॉपिंग भी करनी थी हमें, लेकिन हमें थोड़ी सी देर हो गई थी तो इस वजह से मगरिब का टाइम हो गया था। और मौसम आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा मौसम था, और वैसे भी यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम जा रहे हैं जी वलाना रेस्टोरेंट, यहाँ पर हमने चाय पी और रिफ़्रेशमेंट की थी, और बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था ये। यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हॉल्स भी थे जहाँ पे आप अपना कोई सा भी इवेंट जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। और उस वक्त जहाँ पे हम बैठे थे ये सामने हॉल था, और इसमें शादी या मेहंदी थी आई थिंक, तो बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था और थोड़ा सा ट्रेडिशनल स्टाइल का था। हम जब पहुँचे तो मगरिब का टाइम हो गया था, तो हमने सोचा कि हम नमाज़ पढ़ लें, तो यहाँ पर हमने नमाज़ पढ़ी थी। और आप अंदर से देखें कि कितना अच्छा लग रहा है, ये एक ट्रेडिशनल तरीके का लग रहा था। और यहाँ पे जो दीवारें हैं ये ऐसी लग रही थी जैसे मिट्टी की बनी हुई है, इसका पूरा जो है कलर ऐसा था, लेकिन मिट्टी की नहीं थी, लेकिन इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का था। यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद चाय पी, थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट की, फिर हम गए थे शॉपिंग करने। यहाँ पे भाई वाले भी नमाज़ पढ़ रहे थे, और ये बाहर का लुक है इसका, बहुत ही बड़ा था रेस्टोरेंट ये। हम फैमिली हॉल में हैं, बिल्कुल एंड में ये पोर्शन है, वहाँ पे हम थे, और ये सामने हॉल था, यहाँ पे मेहंदी है, शादी थी आई थिंक। इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी, और इनकी चाय भी बहुत अच्छी थी। और मैं बाहर की चाय बहुत कम पीती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती बाहर की चाय, लेकिन ये सेकंड रेस्टोरेंट है जहाँ पे जो है मुझे चाय बहुत अच्छी लगी है। चाय महफिल की चाय भी बहुत अच्छी थी, और यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद ही हमने रिफ़्रेशमेंट की, चाय पी, और यहाँ पे हम थोड़ी देर ऐसे ही बैठ गए क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ग्रीनरी थी, खुली हवा थी, और यहाँ की हवा तो वैसे ही इतनी फ्रेश होती है। और इसके बाद हम गए थे मार्केट, अल नसीब बाबा सुपर मार्केट गए थे हम। वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल थी जो हमें ग्रॉसरी के लिए चाहिए थी, और उसके अलावा जी हमने और भी बहुत कुछ ज़रूरत की चीज़ें ली थी, LED ली थी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो जिसकी ज़रूरत थी हमें यहाँ पर, क्योंकि कुछ दिन हमें यहाँ पे स्टे करना था, और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी। अगर आपका क्वेटिया आना हो तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, एयरपोर्ट रोड पे है ये मार्केट, और यहाँ पे आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे हेयर ब्रश लिए थे हम, फेस वॉश लिए, और बाकी की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ली हमने। एलोवेरा जेल लिया, एलोवेरा जेल पे मैं आपको एक वीडियो जो है बनाऊंगी स्किन केयर के हिसाब से, वो आपके साथ में शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। और 3-4 फ्लोर थे आई थिंक इस मार्केट के, हर फ्लोर पर डिफरेंट चीज़ें थी, और गुलदान वगैरह फ्लावर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो भी थे यहाँ पे बहुत ही प्यारे। इसके अलावा बर्तन भी थे यहाँ पे, हमने बर्तन भी ख़रीदे थे। उसके अलावा जी यहाँ पे बेडशीट्स भी थी, और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पर आए तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ थी। और कुछ बर्तन भी हमने लिए थे मेरे किचन के लिए, कि मुझे अभी आपसे एक दो रेसिपीज शेयर करनी है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा सामान चाहिए था किचन का। और यहाँ पे मैंने सॉफ्ट चप्पल ढूंढी, लेकिन मुझे सॉफ्ट चप्पल नहीं मिली, घर के हिसाब से मुझे चप्पल चाहिए थी, लेकिन जैसे मैं कह रही थी वैसी मुझे नहीं मिली। उसके बाद जी कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ हमने ली, तो हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम बाकी की चीज़ें लेंगे। और फिर हम घर गए, तकरीबन 12 बज चुके थे, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ खुली हुई थी 12 बजे तक, वरना अक्सर ये लॉकडाउन की वजह से जल्दी से जो है शॉप बंद हो जाते हैं। यहाँ पे सब चीज़ें खुली हुई थी, और ये कुछ सामान है जो हमने लिया था, ये डोली ने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली, और ये किचन का सामान था। और जो मेन चीज़ थी जिसके लिए हम गए थे वो ये LED थी, सोनी की, 50 इंच की है, और इसके रिव्यू मैं आगे चल के आपको देती हूँ जब हमने ये इसकी जो है सेटिंग वगैरह करवाई थी। और इसकी प्राइस आप गूगल कर लीजिएगा, इसकी प्राइस जो है वो बताने वाली नहीं है, आप खुद ही गूगल करके देख लीजिएगा, लेकिन ये है बहुत अच्छी। और ये रात के टाइम का गैलरी का जो मंजर है, सुबह के टाइम भी बहुत अच्छा लगता है, और इस टाइम जो है बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा होती है और इतना प्यारा सा व्यू होता है जी। सेकंड डे पे मैंने बनाया ये चिकन का सालन सिंधी स्टाइल में, और ये सिंधी रोटी चावलों वाली, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने दिन में कोई एक्टिविटी नहीं की थी, बाहर से खाना ऑर्डर किया था, रात के टाइम मैंने ये खाना बनाया, और तब तक ये LED भी सेट करवा ली थी हमने, बहुत ही अच्छे कलर्स आ रहे थे इसके, और आवाज़ भी बिल्कुल अच्छी थी,
और ये डिमांडेड थी अम्मी की, अम्मी का जो है शौक़ था इस एलईडी का। और अब हम जा रहे हैं बाहर थोड़ी सी आउटिंग करके रात के खाने के बाद। यहाँ पे तकरीबन 11 बज रहे हैं और ये सामने आप अस्करी पार्क देख रहे हैं। अगर ये लॉकडाउन की वजह से ओपन बंद हुआ तो नहीं, अगर ओपन हुआ तो मैं यहाँ पर भी एक व्लॉग बनाऊँगी। और ये जी आप देख रहे हैं क्वेटा शहर, और पाकिस्तान का 10वां बड़ा शहर है ये, और जहाँ पर तकरीबन 10 लाख आबादी है और तारीखी शहर है ये जी। रात के टाइम बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ का। और यहाँ पे आपको हर जगह फ्रूट के ठेले मिलेंगे, वैसे तो हर सिटी में होते हैं, लेकिन यहाँ की जो ख़ास बात ये है कि यहाँ पे सीज़न के अलावा भी जो है फ्रूट वो भी आपको अवेलेबल नज़र आएंगे, क्योंकि क्वेटा को जो है फलों का शहर कहते हैं, यहाँ पे फ्रूट्स ज़्यादा होते हैं। अभी ये लाइटिंग वाले बलून्स देखे तो मुझे इब्राहिम याद आ गया, इब्राहिम को ज़्यादा पसंद होते हैं ये। अभी हम आए थे आइसक्रीम खाने और मैंने फलूदा खाया, क्योंकि मुझे फलूदा आइसक्रीम से ज़्यादा पसंद है और मैं भी बनाती हूँ फलूदा, तो ये यहाँ का फेमस फलूदा था। तो अभी हम ट्राई करके देखेंगे कि ये कैसा बना है, वाकई में ये अच्छा है या नहीं है, मैं रिव्यू दूँगी आपको। और मैं कहीं भी जाती हूँ, दावत हो या कोई रेस्टोरेंट हो, तो कोई भी चीज़ मैं खा के आपको बता सकती हूँ कि इसमें क्या क्या डला हुआ है और इसकी रेसिपी, मतलब ये बना कैसे है, ये जो है मेरा कुकिंग एक्सपीरियंस है। और ये देखें आप कितना जो है मज़े का लग रहा है। दो फ्लेवर की इसमें आइसक्रीम डली हुई थी, उसके अलावा इसमें जो काजू डले हुए थे वो बहुत मज़े के थे, जेली थी, सवैयाँ थी। और ये अभी हम मैं खा के आपको बताऊंगी कि ये कैसा है, बहुत ही टेस्टी था ये। और जी अभी हम हैं मनान चौक पे, और ये जना रोड है, यहाँ पे हमने जो फलूदा खाया था, यहाँ का फेमस फलूदा था वो ये है, स्वीट हनी का फलूदा था, बहुत ही टेस्टी था। आप जब भी यहाँ आए तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ आटोबान रोड है, इस तरीके का जो है यहाँ पर है जना रोड, यहाँ पे हर ब्रांड की शॉप थी। और अभी हम रात के टाइम आए थे तो ये सारी शॉप बंद हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे हर ब्रांड का शॉप था, जैसे हमारे हैदराबाद में आटोबान रोड होता है, इस तरीके का ये था। और दिन में भी कभी आएंगे यहाँ पर जब शॉपिंग करनी हुई तो। ये आप देख सकते हैं रात का व्यू, अभी तकरीबन 12 बजे थे रात के और आधा शहर जो है बंद हो चुका था। और ये है जी क्वेटा का फेमस सरीना होटल, ये भी बहुत ही बड़ा होटल था। और अभी हाल ही में यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था रमज़ान शरीफ में इफ्तार के टाइम, जहाँ पे 3 अफराद जहाँ बहक हुए थे और 10 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। बहुत ही प्यारा सिटी है ये, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और यहाँ पर अमन कायम करे। और इस वजह से यहाँ पे हर जगह आपको सिक्योरिटी नज़र आएगी। ये वाला गेट था जिसमें वो गाड़ी जो है बारूद से भरी एंटर हुई थी। और जी अब हम जा रहे थे घर, क्योंकि रात के बजे थे 12:30, बहुत देर हो चुकी थी। और इंशाल्लाह अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।